हॉपर वैज्ञानिक नाम नेफोटेटिक्स विरसेंस नेफोटेटिक्स इम्पेक्टिसेप्स नेफोटेटिक्स एपिकेलिस ऑर्डर का नाम हेमिप्टेरा परिवार का नाम सिकारेलिडे ग्रीन लीफ हॉपर साइंटिफिक नेम नेफोटेटिक्स विरसेंस नेफोटेटिक्स इम्पेक्टिसेप्स नेफोटेटिक्स एपिकेलिस ऑर्डर नेम हेमिप्टेरा फैमिली नेम सिकारेलिडाई वितरण डिस्ट्रीब्यूशन देश के धान उगाने वाले सभी राज्यों में पाया जाता है। विषय से उत्तर प्रदेश बिहार बंगाल मध्य प्रदेश उड़ीसा आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में प्रमुख नलता है। भारत के अतिरिक्त यह श्रीलंका चीन जापान इंडोनेशिया मलेशिया फिलीपाइन थाईलैंड में भी पाया जाता है। शिशु तथा प्रौर दोनों पत्तियों तथा पर्ण आवरणों लीफ शीथ से रस चूसते हैं। फलस्वरूप पत्तियां पीली पड़ जाती हैं तथा उनके सिरे लाल होकर सूख जाते हैं। कीट बाधित पौधे छोटे रह जाते हैं, उनकी वृद्धि रुक जाती है तथा ऐसे पौधों पर बहुत ही कम स्वस्थ बालियां निकलती हैं। शिशु तथा प्रौर पत्तियों पर मधुरस हनी ड्यू विसर्जित करते हैं जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है। कीट का प्रकोप अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों में तथा देरी से पकने वाली धान की जातियों पर अधिक होता है। यदि तापमान 25 से 28 डिग्री से शून्य तथा आर्द्रता 75 से 80 प्रतिशत हो तो यह महामारी एपिडेमिक का रूप धारण कर लेता है। ऐसी अवस्था में सारी फसल सूख जाती है। यह टूंग्रो राइस येलो ड्वार्फ तथा ड्वार्फ ट्रांजिटरी येलोइंग विषाणु रोगों का भी प्रसारण करता है। जीवन इतिहास लाइफ हिस्ट्री इसके जीवन चक्र में तीन अवस्थाएं अंडा शिशु तथा मिलती हैं। अंडा मादा कीट पत्तियों के पैरेन्काइमेटस पैरेन्काइमेटस ऊतकों तथा पर्ण आवरणों में एंड्रोपक चुभाकर समूह में अंडे देती है। एक समूह में 5 से 15 अंडे एक पंक्ति में दिए जाते हैं। मादा लगभग 100 से 300 अंडे देती है। अंडावस्था 3 से 5 दिन की होती है। शिशु अंडे से निकला शिशु हरे रंग का होता है। प्रारंभ में शिशु 0.5 मिलीमीटर शून्य लंबा होता है। 5 निम्फल इंस्टॉज होते हैं तथा शिशु काल 15 से 21 दिन का होता है। प्रौर कीट लगभग 3 से 5 मिलीमीटर शून्य लंबा हरे रंग का होता है। उसका चेहरा उभर हुआ आकार तिकोना तथा तिरछा होकर चलता है। नेफोटेटिक्स वेरिसेंस के सिर पर एक काली पट्टी होती है तथा अगले पंख के मध्य में काले धब्बे के बजाय पबंद होता है जो कि क्लावेट सूचा तथा पंख के अंतिम सिरे पर स्थित काले निशान तक फैल रहता है। नेफोटेटिक्स एपिकेलिस जाति के जैसिड के अगले पंख के अंतिम सिरे पर कान निशान होते हैं। नर जैसिड के अगले पंखों में 2 काले धब्बे होते हैं। एग यह जुलाई से सितंबर तक अधिक सक्रिय रहता है। इसका जीवन चक्र 24 से 34 दिनों पूरा होता है। मादा लगभग 30-40 दिन तक जीवित रहती है। वर्ष में 6 पीढ़ियां मिलती हैं। कीट दिसंबर से जून तक प्रौढ़ावस्था में सुषुप्तावस्था में घासों में रहता है। नियंत्रण एक जैसिड प्रतिरोधी जातियां I0R0 20 50 C0O0 46 P0T0V0 18 तथा रत्ना ललित निधि आदि को उगाना चाहिए। 2. नर्सरी बोने के पूर्व नीम की खली 12.5 के ग्रा शून्य की दर से प्रयोग करें। 3. नर्सरी बोने के 10 दिन बाद कार्वोरान 3G की पूर्व नीम की खली 12.5 के ग्रा शून्य की दर से प्रयोग करें। 3. नर्सरी बोने के 10 दिन बाद कार्वोरान 3G की 3.5 की 0 या 4810G की 1.0 की 0 मात्रा प्रयोग करें। 4. फसल पर निम्न में से किसी एक कीटनाशी का प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें 1000 मिली।
अ फेनिट्रोथियान 50 ई शून्य सी शून्य ब फेनथियान 100 ई शून्य सी शून्य 500 मिलियो।